वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल देसी कुकिंग एक्सपर्ट पर, जहां सीखेंगे हम घर में उपलब्ध सामान से ही टेस्टी डिशेज बनाना। आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल की पकौड़ी। इसे बनाने के लिए हमें थोड़ा सा कटहल चाहिए और उसे हमें धोकर अच्छे से उबालना है, जो कि हमने यहां करके रखा है। ये देखिए, हमने कटहल अच्छे से धोकर इसको उबाल कर रखा हुआ है। इसमें हमें धनिया और जीरा पाउडर डालना है, नमक स्वादानुसार डालना है, थोड़ा सा ऑयल डालना है तलने के लिए और थोड़ा सा बेसन चाहिए। तो चलिए अब हम इसका मिक्सचर तैयार करते हैं। इसका मिक्सचर बनाने के लिए हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड करना है। ये देखिए, हमने बेसन डाला। फिर हमें इसमें धनिया और जीरा पाउडर डालना है, नमक स्वादानुसार डालना है, जैसा कि आपको पसंद हो। आप ज़्यादा खाते हो तो ज़्यादा डाल सकते हैं, कम खाते हो तो कम डाल सकते हैं। उस हिसाब से हमें इसमें नमक ऐड करना है। फिर हमें इसे अच्छे से बेसन और कटहल को मिक्स करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा तेल हो गया है। पकौड़ियाँ बनाने के लिए हमने कढ़ाई चढ़ाई थी, तेल हमारा हो गया है। अब हम इसमें अपनी कटहल की पकौड़ी डालते हैं ऐसे, और हमें बहुत धीरे धीरे अपनी पकौड़ियों को डालना है, जिससे कि हमारे हाथ जले ना, क्योंकि अगर आप जरा सी भी आपने जल्दबाजी की तो तेल की छींटे हाथ पे पड़ सकती हैं और आपका हाथ जल सकता है। इसलिए हमें बहुत सावधानी के साथ और धीरे धीरे अपनी पकौड़ियों को कढ़ाई में डालना है इस तरीके से। इस तरीके से हमने अपनी पकौड़ियों को डाल दिया है। हमारी पकौड़ियाँ धीरे धीरे पक जाएंगी। अब हमारी कटहल की पकौड़ियाँ रेडी हो गई हैं गर्मा गर्म। इसे हम सॉस की चटनी के साथ सर्व करें। थैंक्स दोस्तों हमारा वीडियो देखने के लिए। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह हमारी वीडियो देखते रहें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और देसी तरह से खाना बनाएं, खिलाएं और खाएं। शुक्रिया।